29 अप्रैल 2020 को आखिर क्या होगा? सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के कारण हमारे मन में भी यही सवाल उठ रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस अफवाह की सच्चाई इस खास रिपोर्ट में। तो देखते रहिए कुलदीप फकू यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी लेटेस्ट टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए। आखिर 29 अप्रैल 2020 को क्या होने वाला है? गूगल और सोशल मीडिया पर ये कुछ दिनों से काफी सर्च किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि 29 अप्रैल 2020 को दुनिया में भारी तबाही आएगी और विनाश हो जाएगा। नासा ने 29 अप्रैल को लेकर एक सूचना जारी की है जिसके मुताबिक 52768 यानी कि 527681998 OR2 नाम का क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड 29 अप्रैल 2020 को पृथ्वी से गुजरेगा। इस दौरान पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 4 मिलियन मील होगी। नासा ने यह भी बताया है कि इससे पृथ्वी पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। CNEOS के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट कर बताया गया है कि 29 अप्रैल को क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड 1998 OR2 पृथ्वी से 3.9 मिलियन माइल 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर गुजरेगा। यह पूरी तरह सुरक्षित है। एक अंग्रेजी वेबसाइट डेली एक्सप्रेस ने इसको लेकर एक चेतावनी भरी खबर चला दी थी जिस पर CNEOS ने ट्वीट कर कहा था कि दुनिया के विनाश की खबर पूरी तरह से गलत है। बताया जा रहा है कि इस क्षुद्र ग्रह का आकार बहुत ही बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका साइज हिमालय पर्वत से आधे साइज का है। कब गुजरेगा यह एस्ट्रॉयड? क्षुद्र ग्रह 1998 OR2 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे से पहले पृथ्वी के पास से 3.9 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा। यह दूर की आवाज हो सकती है लेकिन यह काफी करीब है जिसे नासा द्वारा अर्थ ऑब्जेक्ट के पास यानी कि NEO माना जा सकता है। अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी के 120 मिलियन मील NEO के भीतर गुजरने वाली किसी भी चीज पर विचार करती है। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें आपको पता चल गया होगा कि सोशल मीडिया पर मात्र एक अफवाह फैलाई जा रही है। इस एस्ट्रॉयड से पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो।